बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं की जो व्याकरण विधि है उसके अंतर्गत व्याकरण को पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आइए पढ़ते हैं व्याकरण। बेटा, हमने आपको इसके पहले संधि पढ़ाई है जो तृतीय पाठ है, ठीक है? तो उसके ही आगे के पाठ को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। इसके पहले हम आपको दीर्घ संधि की जो पढ़ा रहे थे, संधि के प्रकार, उसी के आगे हमने जो पढ़ा, उसके पहले जो हमने पढ़ाया था, इसके बाद है अयादि संधि। कौन सी संधि है बच्चों? ये अयादि संधि, एचो अय वा या वह, है ना? जब, अब ध्यान से यहाँ पर आप लोग समझिए कि इसमें अयादि जो संधि होती है वह है किसे कहते हैं और क्या होता है। देखिए, जब ए ए ओ, ठीक है, तथा औ के बाद, ए औ ओ तथा औ के बाद कोई स्वर आए, क्या बताया मैंने? ए ओ तथा औ के बाद क्या आए? कोई स्वर आए। तो देखिए, ए को आए, ए को आए, ओ को आव, और औ जो है को आव आदेश हो जाता है, यानी इनके स्थान पर ये शब्द आ जाते हैं। इसे अयादित तुष्टय के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब इस प्रकार अब इसके उदाहरण हम समझेंगे। और आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा कि ज्यादातर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो क्या पूछे जाते हैं? उदाहरण। मान लीजिए आपको ये विग्रह दे दिया तो आपको शब्द सही समझ में आना चाहिए कि यदि ये नयनम अनम दिया है तो नयनम बनेगा, तो कौन सी संधि आएगी? अयादि संधि आएगी। तो ये जो, या फिर आपको ये शब्द दे दिए जाते हैं तो आपको इनका विग्रह करना होता है, बताना होता है कि कौन सी संधि है। तो देखिए, नय धन अनम क्या बना? नयनम। शय धन अनम शयनम। नय नई धन अक नायक। भो धनानं भावनं। भानो धन ए भानवे। पौ धन अकः पावकः। फिर नौ धन इकः नाविकः। भौ धनुकः भावकः। समझ में आया? तो इस प्रकार आप इसको याद रखेंगे कि किसके स्थान पे क्या होता है, और ये जो उदाहरण है बहुत अच्छे से आप परीक्षा के लिए तैयार करेंगे। अब इसके बाद है पूर्व रूप संधि, अंग पदांतादति, ठीक है ना? अंग पदांतादति। पूर्व रूप संधि को अयादि संधि का अपवाद कहा जाता है। पद के अंत में स्थित ए ओ के बाद यदि ह्रस्व आ आए तो ए धन आ, ठीक है, ए धन आ दोनों के स्थान पर पूर्व रूप संधि ए का आदेश तथा ओ धन आ दोनों के स्थान पर ओ ए का आदेश हो जाता है। ठीक है, अर्थात ए ओ के पश्चात आने वाला आ, किसके पश्चात? ए और ओ के पश्चात आने वाला आ जो है अपना रूप ए और ओ में ही विलीन कर छुपा देता है। ठीक है, तो उस विलीन आ का जो रूप है लिपि में अवग्रह चिन्ह, देखिए आप ये दिया ना अवग्रह चिन्ह, ऐसा दिया ना चिन्ह जो दिया है, द्वारा अंकित किया जाता है। जैसे अब आप देखिए उदाहरण देखिए, जैसे दिया है हरे धन अत्र, ठीक है, ये हरे ही अत्र, तो ये क्या होना चाहिए? हर यत्र होना चाहिए। ठीक है, लेकिन परंतु क्या हुआ? आ ए में समा गया है। काय में समाया है? आ ए में। और रूप क्या बना? ये बन गया हरेत्र। ये आ गया ना चिन्ह, ये दिख रहा ना आपको, ये चिन्ह आ गया। यहां उच्चारण के समय हरेत्र ही कहा जाता है,
हरित्र ही पढ़ते समय हरित्र ही कहा जाता, अवग्रह का उच्चारण नहीं होता, ये आप ध्यान रखिए। जो अवग्रह लगा है बीच में दिख रहा ना चिन्ह जो दिख रहा है, इसका उच्चारण नहीं होता। अब चलिए उसके उदाहरण समझ लेते हैं। तो उदाहरण जो दिए हुए हैं, और जैसे कि मैंने बार बार आपको बताया कि ये उदाहरण ही आपको ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे दिया ते धन अपि, तो देखिए ये चिन्ह अवग्रह दिया ना, तो क्या होगा यहाँ पर तेपि, हरे धन आओ तो क्या होगा हरे। फिर देखिए यहाँ पर दिया है वृक्षे धन अपि वृक्षेपि, आप सब में देखिए अवग्रह लगा हुआ, जले धन अस्ति जलेस्ति, ठीक, गोपालो गोपालः धन अहम, ठीक है, तो क्या आ गया यहाँ गोपालो हम, विष्णो धन अव विष्णो, इस प्रकार से ये चिन्ह लगेगा, चिन्ह द्वारा अंकित होगा और जो अवग्रह है उसका उच्चारण नहीं होगा, क्योंकि हमने जो शब्द पढ़ रहे हैं तो वो शब्द हमने ऐसे पढ़े तेपी हरे वृक्षेपी जलेस्ती गोपालो हम विष्णो, ठीक है, अवग्रह का तो उच्चारण नहीं किया, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अवग्रह का उच्चारण नहीं होता। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसके बाद है प्रकृति भाव, लुप्त प्रग्रह अचि नित्यम, ठीक है, प्रकृति भाव का अर्थ है संधि करने का निषेध करना, संधि करने का निषेध करना, ठीक है, अर्थात प्रकृत वर्णों में विकृति यानी परिवर्तन ना करके उन्हें ज्यों का त्यों बनाए रखना, वस्तुतः इसे संधि का भेद ना कहकर संधि का अभाव ही कहना चाहिए, क्योंकि संधि नियम के लागू होने की स्थिति में भी संधि कार्य नहीं होता। देखिए यदि कोई कोई वर्ण लुप्त या प्रग्रह संज्ञक होता है और उसके बाद अच आता है, ठीक है, तो लुप्त एवं प्रग्रह वर्णों का संधि ना होते हुए भी प्रकृति भाव होता है, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं। और प्रग्रह संज्ञा सबसे पहला इसमें दिया है ई दो दी ई दू दे द वी वचनम प्रग्रहम, समझिए ई दू दे द वी वचनम, ठीक है ना। फिर है दूसरा असदो मात, फिर तीसरा दिया इदंत इदंत उदंत एदंत, द्विवचन रूपों की प्रग्रह संज्ञा होती है। आप समझिए आप ये इदंत उदंत इदंत और द्विवचन रूपों की प्रग्रह संज्ञा होती है, अर्थात ऐसे द्विवचन जिनके अंत में आप देखिए क्या है इदंत यानी ई उदंत ऊ एदंत अथवा ए होता है, उनकी प्रग्रह संज्ञा होती है, तथा जिनकी प्रग्रह संज्ञा होती है उस उनके बाद अच होने पर किसी भी प्रकार की संधि नहीं होती, किसी भी प्रकार की संधि नहीं होती। अब देखिए जैसे उदाहरण दिया है आप लोग समझिए, जैसे दिया है कवि धन इक्षता विष्णु धन इमौ बालके धन आगच्छता, यहाँ पर कवि विष्णु तथा बालिके ये क्रमशः जो दिए हैं, देखिए इकारांत उकारांत और एकारांत द्विवचन के रूप होने के कारण प्रग्रह संज्ञा है, कवि धनिक्षता, ठीक है ना, कवि विष्णु और बालिके क्रमशः इकारांत उकारांत और एकारांत द्विवचन के रूप होने के कारण प्रग्रह संज्ञा, अतः यहाँ किसी प्रकार की संधि नहीं होती, इसलिए ये कभी क्या है इक्षता विष्णु इमौ और बालिके आगच्छता ही रहेंगे, ना कि कविच्छता इत्यादि होंगे। समझ में आ गया, जो शब्द जो है यहाँ पर किसी प्रश्न जैसे दिया है आज होने पर किसी प्रकार की कोई संधि नहीं होगी, और ये उदाहरण इसका मैंने आपको समझाया। चलिए इसके बाद है आप देखिए दूसरा असद शब्द के माँ के बाद ई या ऊ आए, असद शब्द के माँ के बाद ई या ऊ आए तो वहां पर ही प्रग्रह संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण देखिए अमिधन, इस प्रकार उदाहरण समझिए अमिधन ईशा,
अमु धन आ सातो, ठीक है ना, अमी धन ईशा, अमु धन असाते, यहाँ पर अमी और अमु, ठीक है ना, प्रग्रह संज्ञक है, अमु और जो दिया है ये क्या है, अमी और अमु प्रग्रह संज्ञक, अतः किसी भी प्रकार की यहाँ संधि नहीं हो। अब है लुप्त वर्ण में प्रकृति भाव का उदाहरण है, यही कृष्ण ती जो देखिए ये लिखा ना ती अत्र गौश चरित्री, यहाँ पर आ और आ में दीर्घ संधि नहीं हुई क्योंकि संबोधन पद जो है वह क्या है कृष्ण में आलुप मतलब लुप्त है, ठीक है ना, जो संबोधन पद है कौन सा कृष्ण, कृष्ण दिया ना, तो आ जो है वह है क्या है लुप्त है, इसलिए यहाँ पर आ और आ में जैसे बनती है छोटा बनती बड़ा बनता ना, तो ऐसा कोई यहाँ पर दीर्घ संधि नहीं हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसके बाद आता है पररूप संधि, एंगी पररूपम उपसर्ग के आगे पश्चात यदि क्या है ए या ओ आए तो उनका पररूप एकादेश हो जाता है, इस पररूप संधि को क्या कहते हैं वृद्धि संधि का अपवाद भी कहा जा सकता है। पररूप कार्य से तात्पर्य है क्या है पररूप समझ लें कि जब पूर्व पद का अंतिम वर्ण अगले शब्द के आदि वर्ण के समान होकर उसमें मिल जाए, जब पूर्व पद का अंतिम वर्ण अगले शब्द के आदि वर्ण के समान होकर मिल जाए, जैसे उदाहरण दिया प्रधन एजते तो क्या बन गया जे प्रे जते, ठीक है ना, प्रे जते में क्या होगा इसमें वृद्धि कार्य प्रजयते, प्रजयते होना चाहिए था लेकिन प्राम स्थित आत स्थिति कायम हो गई ए में ही मिल गई, ठीक है, अर्थात आधन ए इन दोनों के स्थान पर क्या हुआ ए एकादेश हो गया, यहाँ पर आ की अपनी सत्ता ही नहीं बची, अतः प्राधन ए जते बराबर प्रे जते और उपधन ओष्यति बराबर उपोष्यति हुआ है, ठीक है, अब इस प्रकार से आपको उसको समझना है। चलिए आगे पढ़ते हैं, आप देखिए यहाँ पे दिए हैं जो प्रश्नोत्तर अधोलिखितेषु समुचितम संधि पदम चित्वा लिखत, आपको जो समुचित संधि पद उनको चुन करके जो है सही लिखना है, एक उदाहरण दिया हुआ है चंद्र धन उदया, अब आपको ये बताना इसमें से जो तीन जो ऑप्शन आपको दिए हैं तो सही शब्द मतलब सही क्या आएगा, तो उत्तर क्या आएगा इसका चंद्रोदया, ठीक है, इसी प्रकार इसमें दिया है पहला मात्र धन ऋणम, अब ये तीन शब्द दिए मात्रणम मात्रणम या मात्रण, क्या मतलब उसमें सही आएगा उसमें आएगा मात्रणम, फिर है यदि धन अपि यद्यपि यदिपि या यदापि, ठीक है ना, तो क्या आएगा यहाँ पर यद्यपि, फिर तीसरा दिया है मत धन एक क्यम, ये भी मैं आपको बताती चलती हूँ उसमें कि ये इसमें इसके आंसर ये है जो दिए हुए हैं, मत धन एक क्यम तो क्या जाएगा मत क्यम, फिर भान धन उदया, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा भानु दया, ठीक है, और मत क्यम का भी आएगा, भोधन का भाव का भाविका भाव का क्या आएगा भावुका, ठीक है, फिर विष्णु धन ए बराबर विष्णु भी है विष्णु वे विष्णु, तो इसमें जो सही शब्द क्या आएगा ये भावुका का आएगा ये विष्णु वेह का आएगा, ठीक है ना विष्णु वेह, फिर है सर्वे धनत्र सर्वे अत्र सर्वेत्र या सर्वे अत्र तो क्या आएगा सर्वेत्र, ठीक है ना, देखिए अभी आपको मैंने समझाया कि वो जो लगा हुआ है उसको उसका उच्चारण अवग्रह का नहीं होगा, गंगा धने क्या आएगा गंगे गंगो गंगेर तो क्या आएगा गंगेर, चलिए इसके बाद फिर अधोलिख है संधि विच्छेद पूरम पूर्व संधि नामे, अब इसमें संधि विच्छेद कर जो दिया हुआ है इसका सही आपको बताने के जैसे दिया अन्वेषणम तो अनुधन एषणम ये कौन सी संधि है यण संधि, आप देखिए पहला जो दिया है वह है तवैव तो तब ये आंसर दिए हुए हैं तो तवैव का क्या आएगा तव धनेर कौन सी संधि आएगी वृद्धि संधि, नदी ये आपको भरना है इस प्रकार से, फिर है इसमें देखिए
के नदीर का क्या आएगा, नदीर, यहाँ पे कौन सी संधि आएगी, दीर्घ संधि। फिर है के पे, ठीक है ना। अब ये जो दिए हैं आपको, जैसे मैंने बोला कि आप अपनी कॉपी में इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, तो के धन अपी, ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी संधि आएगी, पूर्व रूप संधि। देखिए के यहाँ अपी लिखा है, आपको यहाँ पर क्या लिखना है, तो इसका विग्रह लिखना, तो के धन अपी यहाँ बराबर कौन सी आएगी, पूर्व रूप संधि। फिर इसके आगे अत्याचार है, तो देखिए अति लिखा है, तो अति धन आचार है, कौन सी संधि, यण संधि। फिर शेधन अनम शयनम, तो शेधन अनम, तो शयनम यानी यहाँ पर आएगी अयादि संधि, ठीक है। फिर है यथोचितम यानी यथा धन उच्चतम, कौन सी संधि है, गुण संधि। इस प्रकार से आपको यहाँ पर पूरा कंप्लीट करना। चलिए आगे, फिर है यत प्रकृति भाव संधि अस्ति तत्पदम इति चिन्हे चिन्हीकृत यत चा नास्ति तत्पदम, जो ये चिन्ह दिया है इति चिन्हे चिन्हीकृत, क्या सही है क्या गलत है आपको वो सबको बताना है। जैसे दिया है इसमें सबसे पहले नदी इति, ठीक है, लिखिए ये इसको उत्तर है, तो ये क्या है, ये गलत है, ये क्या आएगा इसमें, ये पहला आंसर गलत, ये आप अपनी कॉपी पर लिखिएगा और उसको फिर सही करिएगा। वृक्षयपि का क्या आएगा, ये भी गलत है, ठीक है। मुनि एतौ, ठीक है, मुनि एतौ, तो ये इसका क्या आएगा, ये सही आंसर आएगा। साधु उपरि गच्छता, तो ये भी क्या आएगा, सही आंसर आएगा इसका भी। सखी एषा, तो सखी एषा क्या है, गलत, ठीक। फिर है मुनि इक्षता, तो मुनि इक्षता का सही आएगा। सभायाम कवि आगतो, मैंने मुनि इक्षता मुनि की इच्छा, ठीक है। फिर सभायाम मैंने कवि का आना, तो ये सही है। फिर नदी यम बहती, तो ये क्या है आपका, ये गलत। इस प्रकार से आपको यहाँ चिन्ह के, जैसे ये चिन्ह बने हैं इसी प्रकार से इसको दर्शाना है। इसके बाद है अधोलिखित वाक्येषु स्थूल पदेषु संधि विच्छेद कृत्वा लिखत। पहला जैसे दिया है कि कविंद्रा अद्य नवीना स्थूल पदेषु, यानी आपको जो स्थूल पद दिख रहे ना, जैसे ये कविंद्र दिया है, ठीक है ना, तो जो आपको बड़े ऐसे शब्द मोटे दिख रहे हैं उनका आपको क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। कविंद्र अंत नवीना कविता, तो क्या आएगा इसका, देखिए आंसर कविधन इंद्रा, ये आया। फिर इसके बाद क्या दिया है, अत्याचारम, ये स्थूल पद दिया है, तो क्या आएगा यहाँ पर, अतिधन आचारम। फिर इसके बाद दिया है गंगेति दिया है ना, तो गंगाधन इति क्या आएगा, गंगेति का क्या आएगा, गंगाधन इति। फिर इसके बाद ये दो तीन चौथा क्या दिया है, तथै, तो क्या आएगा, तथाधन ए, ठीक है ना। फिर है वृक्षेपी, वृक्षेपी क्या है, वृक्षेधन अपि। इस प्रकार से आपको ये पूरा कॉपी में कंप्लीट करना। तो इस प्रकार बच्चों मैंने आपको यहाँ पर जो संधि है अयादि संधि, ये मैंने आपको पढ़ाया समझाया, और आप अपनी कॉपी बच्चों उसको लिखते जाइएगा। धन्यवाद बच्चों।